हाय गाइस, वेलकम टू वे फॉर ऑटिज्म। आज हम लोग गेम खेलने वाले हैं मिस्ट्री बॉक्स या व्हाट्स इन द बैग। दोनों ही नाम से गेम खेल सकते हैं। जैसे नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वैसे ही जो है गेम भी बहुत इजी और बहुत ही इंजॉय करने वाली गेम है। बच्चे बहुत पसंद करेंगे। अगर आपके बच्चे को मीनिंगफुल वर्ड्स आते हैं या उसकी वोकैबुलरी अच्छी है तो ये गेम बहुत इफेक्टिव रहेगी उसकी लैंग्वेज डेवलप करने में भी एंड उसकी वोकैबुलरी डेवलप करने में भी। मोर ओवर आपको जो है आपके बच्चे को आप कमांड फॉलोइंग सिखा सकते हैं, उसमें रिलेटेड कोई भी चीज़ भी जो है उसको ऐड करके समझाई जा सकती है। तो व्हाट्स इन द बैग या मिस्ट्री बॉक्स का जो पर्पस है गेम का, वो पहला पर्पस ये है कि बच्चे का अटेंशन एंड फोकस जो लूज होता है बार बार, वो यहाँ पर आप अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि जो गेम है उसमें हम एक बॉक्स यूज़ करेंगे। आप कोई भी शू का बॉक्स ले सकते हो या कुछ भी, या कोई बैग ले सकते हो, लेकिन दोनों ही चीज़ें ऐसी हो जिसमें से बच्चे को दिखे ना कि उसके अंदर क्या है। आप वो बॉक्स बच्चे के सामने रखिए एंड बच्चे को बोलिए कि अब हम प्ले करेंगे मिस्ट्री बॉक्स। फनी वे में कर सकते हैं या जैसे आपको लगे कि एक्साइटिंग हो सकता है बच्चे के लिए वैसे यूज़ करिए। आपको क्या करना है, आपको घर के कोई भी आइटम्स लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको वेजिटेबल्स सिखानी है तो आप फ्रिज ओपन करिए, फ्रिज में जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कुकुम्बर है, टमाटो है, रेडिश है, कैरेट है, लेमन है, प्याज है, आलू है, जो भी आपको जो है वोकैबुलरी में उसकी ऐड करना है वेजिटेबल्स को लेकर या फ्रूट्स को लेकर या किचन के कोई आइटम, स्पून, फोर्क, प्लेट, कुछ भी ऐसा आपको जो भी ऐड करना है उसकी वोकैबुलरी में, आप वो चीज़ उस बैग में डालिए। बड़े साइज का बैग ले लीजिए अगर आप बड़े आइटम्स डाल रहे हैं, छोटे साइज का बैग ले लीजिए अगर छोटे आइटम्स डाल रहे हैं, जैसे टीवी का रिमोट हो गया या फिर कोई बुक हो गई या कुछ भी अल्फाबेट्स आते हैं प्लास्टिक के वो हो गए, एनिमल्स के डमीज आते हैं छोटे छोटे वो हो गए, कुछ भी एनीथिंग। आप बच्चे को क्या कर रहे हैं, आप बच्चे की वोकैबुलरी ऐड कर रहे हैं। क्योंकि आपको ये पता होगा कि आपका बच्चा जो है वर्ड्स बोल लेता है, दैट मीन्स स्पीच का इशू नहीं है, उसको वर्ड्स आते हैं। एंड जिन बच्चों को स्पीच का इशू है वो साउंड निकालनी स्टार्ट कर देंगे उससे रिलेटेड। यानी कि अगर मैंने लायन दिखाया है तो हो सकता है बच्चे को लायन बोलना नहीं आता हो, लेकिन वो शायद साउंड प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर दे। तो इसलिए दोनों ही बच्चों के केसेस में, जिनके पास स्पीच है जिनके पास स्पीच नहीं है, दोनों ही जगह पे वो काम आएगी ये वाली गेम। तो आप ट्राई ज़रूर करना। बिकॉज हम लोग जब स्पीच थेरेपी कराने जाते थे विराज की, तो ये एक ऐसी गेम थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। एंड मैंने देखा था कि बच्चे, पेरेंट्स बताया करते थे कि बच्चे इस पर्टिकुलर गेम पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड विराज बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया करता था। ऑल्दो हम चाहे पूरे दिन उससे घर में कुछ भी पूछें, कुछ भी चीज़ उसे दिखाएं, वो नहीं बोलता था। बट इस गेम में ऑल ऑफ अ सडन कुछ एक्साइटमेंट डेवलप होती थी एंड उसकी क्यूरियोसिटी होती थी कि बैग में से क्या निकलेगा। एंड मैं और वो कंपेल हो जाता था, देखते ही उसके माइंड में सिग्नल पहुंचता था कि मुझे वर्ड बोलना है। क्योंकि बच्चों के पास वर्ड्स होते हैं, वोकैबुलरी अच्छी होती है, लेकिन कब कौन सी चीज़ बोलनी है वो नहीं पता होता। तो गेम को 3 राउंड्स में खेलेंगे। फर्स्ट राउंड में आप बच्चे को आइटम दिखाएंगे, अगर बच्चे ने रिकॉग्नाइज कर लिया, चाहे उसने साउंड ही निकाली है, चाहे उसने थोड़ा सा ही बोला है, आप उसके लिए क्लैप करेंगे, उसको वो आइटम देंगे एंड उसके पास वो आइटम हो जाएगा। अगर बच्चा आइटम नहीं बोल रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा कि आप पहले बोलो फिर मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट सिखाना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही हम आइटम बोलेंगे वो आइटम आपको मिल जाएगा। आप बच्चों के फेवरेट आइटम्स यूज़ कर सकते हैं जिनसे उन्हें फिक्सेशन होती है, जैसे टूथब्रश है, पेंसिल है, बहुत सारे बच्चों को फिक्सेशन होती है किसी किसी चीज़ से, तो वो फिक्सेशन वाले ऑब्जेक्ट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब सेकेंड राउंड में क्या करना है, अब आपने फर्स्ट राउंड में बच्चे को बता दिया है ऑलरेडी कि अगर ये चीज़ है आपको मिल गई है एंड ये वाली चीज़ का नाम ये है। अगर आपको नहीं आता, अगर बच्चा नहीं बोल पा रहा है उस चीज़ का नाम, तो आप उसे रिकॉग्नाइज करवाओगे कि इस चीज़ को ये बोलते हैं। और उसके बाद सेकेंड राउंड में अब आप सिर्फ आइटम्स निकालोगे एंड बच्चे को बोलोगे बताओ ये क्या है। तो ये बताओ ये क्या है वाली लैंग्वेज कंसिस्टेंट रखिएगा, या कोई भी लैंग्वेज जो भी आप यूज़ करते हो उसे कंसिस्टेंट रखिएगा, ताकि बच्चे को ये फीडबैक मिले कि जब ये लाइन या ये फ्रेज बोला जाता है तो मुझे रिस्पॉन्ड करना है जो आइटम मुझे दिखा रहे हैं। तो सेकेंड राउंड में आप नोटिस करेंगे कि बच्चे की वोकैबुलरी आपको इंक्रीज्ड दिखेगी एंड जैसे ही आपने वो आइटम दिखाया बच्चा जो है उस चीज़ को बोलेगा। थर्ड लेवल में आप खुद देखेंगे कि बच्चा मेमोराइज कर चुका होगा ऑब्जेक्ट्स एंड वो आपको नाम बताएगा। सो 3 राउंड्स में ज़रूर खेलिएगा इसको एंड एट वन गो कोशिश करिए 5 ऑब्जेक्ट्स रखिए, ज़्यादा नहीं रखिए, क्योंकि बच्चे के लिए टास्क या पनिशमेंट नहीं बनाना किसी भी चीज़ को। 5 ऑब्जेक्ट्स रखिए, फिर थोड़ी देर बाद, आधे एक घंटे बाद आप फिर रिपीट कर लीजिए। जब आप ये गेम ख़त्म कर लेंगे तो आपको ये ज़रूर करना है कि वही सेम आइटम या तो आपको पिक्चर के थ्रू या बुक में या फिर रियल आइटम आपको दोबारा से बच्चे को रैंडम दिखाना है एंड पूछना है ये क्या है।
तो मिस्ट्री बॉक्स या व्हाट्स इन अ बैग वाली गेम के बाद ये करना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको ये पता चलेगा बच्चे ने कितना अच्छा मेमोराइज करा है। अब एक घंटा या दो घंटे का ड्यूरेशन हो चुका है बीच में, तो इस बीच क्या बच्चे की मेमोरी में वो रजिस्टर हो गया है वर्ड या नहीं हुआ है। क्योंकि अगर वो वर्ड रजिस्टर नहीं हुआ है तो आपको उस वर्ड पे काम करना है नेक्स्ट टाइम, एंड आपको उसकी रेपिटेशन करते रहनी है उस गेम में जब तक बच्चा वो मेमोराइज ना कर ले। 5 आइटम्स के बाद अगर आपको आइटम्स बढ़ाने, आपको लगता है बच्चा परफेक्टली जो है 2-3 दिन से रिस्पॉन्ड कर रहा है एंड मैं रैंडम भी घर में दिखाती हूँ तो वो नाम ले देता है उस आइटम का, तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको 2 आइटम्स और ऐड करने हैं। कोशिश रखिए 1 हफ्ते तक रेपिटेशन करिए आइटम्स की एंड जनरलाइज भी करिए, पिक्चर्स में भी दिखाइए, घर में भी रैंडम क्वेश्चन पूछिए कि ये क्या है। स्कूल में बहुत मदद मिलती है बच्चों को क्योंकि जब टीचर पूछते हैं कि ये क्या है या रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन होता है तब बच्चे इजीली रिलेट कर पाते हैं। एंड अगर आप स्कूल की प्रिपरेशन करा रहे हो बच्चे को तो ये गेम बहुत अच्छी है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कलर्स, शेप्स, सब कुछ सिखाने के लिए बहुत अच्छी गेम है। तो अगर आप एकेडमिक्स पे फोकस करना चाहते हो तो ये बेस्ट गेम है। अगर आपका बच्चा कंपेल नहीं होता बोलने पे, इन जनरल इस गेम में होगा। मैं इतना श्योरिटी से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्पीच थेरेपिस्ट जब ये एक्टिविटी करवाते थे तो विराज बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता था। सेकेंडली और पेरेंट्स ने भी ऐसा बताया है कि बच्चे अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, और अब तक भी जनरली भी अगर मैं विराज से कुछ पूछूँ तो इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं आता, बट इस गेम में विराज का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है। तो ये गेम ज़रूर ज़रूर खेल के देखिएगा, ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट्स में। एंड अगर आपके पास ऐसी कोई गेम है वो शेयर करिएगा, मैं कोशिश करूँगी वो गेम विराज के साथ खेलूँ या फिर उसकी वीडियो क्लिप बनाऊँ एंड देखूँ कैसा रिस्पॉन्स आता है। बट प्लीज़ आप अपने टिप्स भी ज़रूर शेयर करिए कि आप कौन सी गेम खिलाते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि ये गेम जो है आप अगर मुझे बताएंगे तो मेरे पास एक ज़रिया है, मैं बहुत सारे पेरेंट्स की हेल्प कर सकती हूँ। तो जितनी चीज़ें मुझे पता है मैं वो शेयर करती हूँ, पर जो आपको पता है वो भी मुझसे शेयर कीजिए ताकि मैं सबको चीज़ें बता सकूं और हम मिलकर एक दूसरे की अच्छे से हेल्प कर सकें। सो अब मैं आपको क्लिप्स दिखाऊंगी, उसमें आप देखिएगा विराज से मैंने कैसे जो है इस गेम को प्ले करवाया एंड विराज का रिस्पॉन्स कैसा रहा। ये बताओ ये क्या है? टमाटर। वेरी गुड। ये क्या है पहले बोलो? A lion. Yes, very good. ये क्या है? Cucumber. Cucumber. Okay, Viraj. ये क्या है Viraj? बताओ. M. Yes, very good, Viraj. Gajar. और English में? Carrot. फोर्क। लो पकड़ो, आपने सही बताया, यहाँ पे रखेंगे फोर्क। यस। और विराज ये क्या है जल्दी बताओ? वेरी गुड, स्पून। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पेंसिल। लो, वेरी गुड। और विराज ये क्या है? कट 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 कट। ये क्या है? काटी काटी करते क्या चीज है ये? सीजर्स। सीजर्स। इट्स अ, चलो काटी काटी को ये सीजर को इधर रखेंगे। आप बताओ ये क्या है? इट्स अ नाइफ। सुपर विराज। ये क्या है? Roar, roar. ये क्या है जल्दी बताओ? ये क्या है? It's a lion. Yes, superb. विराज ये क्या है? Fork. Carrot है. और ये क्या है विराज? Cut, 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 cut. S for Scissors. Superb, मेरा बेटा। सीजर से कटिंग कर रही हो? ओपन करो, फिंगर से ओपन करो, लो कट करो, करो कट। ओप्स।
वाह तो कटोरी है कटिंग आपको ये गेम अच्छी लगी होगी, जरूर प्ले करनी है, मुझे जरूर बताना है। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम जब मैं आती हूँ नया टॉपिक लेकर, अपना ध्यान रखिए, बिकॉज सेल्फ केयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो मम्मीज एंड पापाज अपना ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के साथ साथ आप भी खुश रहना सीखिए। बाय।